Hey guys, welcome back to my channel, and here we come with the next video of industrial relation. So the unit first of all, what is industrial relation? Industrial relation hota hai ye do cheezon se banta hai, industry plus relation. Matlab ki industry ke andar jitne bhi relation hai, chahe wo boss se supervisor ka ho, worker se employees ka ho, worker to uske boss se ho, ye sari cheeze mila ke industrial relation banti hai. So industrial relation do cheezon se banta hai, industry aur relation se. Industrial kya hota hai? Industrial refers to any productive activity in which an individual or group is engaged, and relation we mean that relationship that exists within the industry between the employer and the workman. Employer jo kaam kara raha hai and workman jo kaam kar raha hai. The study of relationship within and between worker, working group, their organization, manager and employer. Jitni bhi sari ye cheeze maine boli hain organization se related, managers aur employer ke beech ka, worker se uski working condition ke beech ka, ye sari hamari industrial relationships hoti hain. Ab industrial relationship ka scope kya hota hai? Development of healthy labor management relation. सबसे पहले इसका means वो होता है कि development of healthy labor. एक कोई भी अगर हम organization में काम कर रहे हैं तो वहाँ का organization का हम ये सोच के चलते हैं कि अगर वहाँ की labor healthy होगी, अच्छे से काम करेगी, उनके बीच का relation अच्छा होगा, तो हमारे जो management के relations हैं वो काफ़ी अच्छे होंगे और हमारी productivity काफ़ी अच्छी आएगी. Maintenance of industrial peace. अगर हमारी industrial relation का concept हर industry में apply होगा तो हमारा जो मेंटेनेंस ऑफ इंडस्ट्रियल पीस है जो वो बना रहेगा, मतलब कि कोई स्ट्राइक्स नहीं होंगी, किसी तरह का कोई डिस्प्यूट नहीं आएगा. उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी. एक इंडस्ट्री में एक डेमोक्रेसी होगी, मतलब हर किसी को बोलने का राइट होगा, अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखने की राइट होगा. तो ये सारे इंडस्ट्रियल रिलेशन के स्कोप्स होते हैं कि क्या क्या हम कहाँ कहाँ चीज़ों में अपना अप्लाई कर सकते हैं. अब नेक्स्ट आता है हमारा इवेल्युएशन ऑफ आईआर. बहुत तरह के हमारे इवेल्युएशन हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन के हमारा कैसे कैसे स्टार्ट हुआ था, बट जो मेन हमें पढ़ना है वो पढ़ना है हमें कि अंडर ब्रिटिश रूल ये क्या था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या था, पोस्ट इंडिपेंडेंट क्या रहा, और अब मॉडर्न में क्या चल रहा है. तो अंडर ब्रिटिश रूल में क्या था, जो वहाँ की वर्किंग कंडीशन थी वो बहुत हार्श थी, मतलब कि वर्कर्स को पे किया जाता था लेकिन बहुत लो पे किया जाता था, उनको उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था. इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे क्या हुआ था, पे तो सेम थी, वेज उनको सेम मिलती थी इंडस्ट्रीज में, उनके साथ रिलेशनशिप क्या था, बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट्स होते थे, बहुत ज़्यादा स्ट्राइक्स कंडक्ट करवा दी जाती थी. इसमें जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था तो कुछ एक्ट्स बनाए थे ताकि स्ट्राइक्स कम हो जाए, डिस्प्यूट्स कम हो जाए. वो क्या थे, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट, जो कि हमने कंपनसेशन में ये सारे एक्ट पढ़े हुए हैं, ट्रेड यूनियन एक्ट, ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट. उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंट के बाद जो हमारी इंडस्ट्री रिलेशन थी वो किस तरह की थी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, डेवलपिंग रिलेशनशिप काफ़ी डेवलप हो गए थे. मिनिमम वेज एक्ट एक रूल पास हुआ था, इसमें हमें ये पता चलता था कि हमारे जो आप मेरी ये मिनिमम वेज एक्ट की पूरी वो कंपनसेशन में देख सकते हैं, मैं लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. तो ये सारी चीज़ें हमारे पोस्ट इंडिपेंडेंस में आई थी. उसके बाद मॉडर्न में क्या था, इनोवेशन इंट्रोड्यूस, इंडस्ट्रियल रिलेशन में एक इनोवेशन इंट्रोड्यूस हो गया था, मतलब कि हर कोई ऑर्गेनाइजेशन में चाहता था कि उनकी जो इंडस्ट्री है उसमें पीस बनाना है, हर कोई अपने इनोवेटिव आइडिया शेयर करे, अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, एक तरह से ह्यूमन बिहेवियर का अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, मतलब कि हर कोई एक दूसरे को समझने लगा है. अब मॉडर्न में जो ये चीज़ चल रहा है, एक जो वर्कर काम करता है वो भी ये सोचते हैं कि मैं इंडस्ट्री के लिए भी काम करूँ और अपने खुद के लिए भी काम करूँ, तो वो जो ह्यूमन बिहेवियर है वो काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टेबल हो गया, मतलब कि दोनों एक दूसरे को समझने लगे हैं. उसके बाद आता है हमारे डिटरमिनेंट्स ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन, क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो इंडस्ट्रियल रिलेशन को अफेक्ट करती हैं. वर्कर पार्टिसिपेशन, वर्कर का कितना पार्टिसिपेशन है इंडस्ट्रियल रिलेशन के रिगार्डिंग. कंडीशन ऑफ वर्क क्या है, हेल्दी एनवायरनमेंट है या नहीं, किस तरह का एनवायरनमेंट हम एम्प्लॉयज़ को दे रहे हैं, वर्कर्स को दे रहे हैं. कंपनसेशन पेड, क्या कंपनसेशन पेड की जाती है, क्या उनके लिए वो सूटेबल है. पोजिशन ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की पॉलिसीज चेंज होती रहती हैं, तो क्या गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है, वो वर्कर्स के फेवर में है या फिर वो एम्प्लॉयर के फेवर में है. तो ये कुछ डिटरमिनेंट से जो अफेक्ट करते हैं. उसके बाद आते हैं हमारे स्टेक होल्डर. स्टेक होल्डर कौन होता है, स्टेक होल्डर इज अ पार्टी दैट हैज एन इंटरेस्ट इन अ कंपनी एंड कैन आइदर अफेक्ट और बी अफेक्टेड बाय द बिजनेस. स्टेक होल्डर वो पर्सन होता है, वो एक पार्टी होती है जो कंपनी को अफेक्ट भी कर सकती है और कंपनी से अफेक्ट भी हो सकती है. कुछ हमारे स्टेक होल्डर्स होते हैं कंपनी के, क्या होते हैं, इन्वेस्टर्स हमारे स्टेक होल्डर्स होते हैं, एम्प्लॉयज, कस्टमर, सप्लायर, शेयर होल्डर, ये सारे हमारे स्टेक होल्डर्स होते हैं. अब आता है हमारा कुछ मेजर स्टेक होल्डर इन
इंडस्ट्रियल रिलेशन तो सबसे पहले आता है इसमें मैनेजमेंट में. मैनेजमेंट से क्या कहता है, इन द कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयर इज रिप्रेजेंटेड बाय द मैनेजमेंट. जो हमारा एम्प्लॉयर होता है वो हमारा मैनेजमेंट एज अ मैनेजमेंट रिप्रेजेंट करता है. हेयर मैनेजमेंट बिकम रिस्पॉन्सिबल. यहाँ पे मैनेजमेंट क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है हर भी जो भी रिलेशनशिप इंडस्ट्री में हो रहे हैं उनके रिगार्डिंग. रोल क्या होता है मैनेजमेंट का, क्रिएटिंग एंड सस्टेनिंग एम्प्लॉयज मोटिवेशन, एक मोटिवेशन क्रिएट करके रखना, इंश्योरिंग कमिटमेंट फ्रॉम एम्प्लॉयज, जो कमिटमेंट उसके एम्प्लॉयज दे रहे हैं उसको वो कमिटमेंट को इंश्योर करके रखना कि हाँ ये फुलफिल होगी, अचीविंग हायर लेवल ऑफ एफिशिएंसी, शेयरिंग डिसीजन मेकिंग विद एम्प्लॉयज. उसके बाद यूनियन, यूनियन कैसे एक मेजर स्टेक होल्डर का रिलेशनशिप में आता है. ट्रेड एंड लेबर यूनियन रेजिस्ट द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एम्प्लॉयज बाय एम्प्लॉयर थ्रू इक्वल बार्गेनिंग पावर. यूनियन में हमारा क्या आते हैं, हमारे जितने ये ट्रेड यूनियन हो गई, लेबर यूनियन हो गई, ये इसलिए कंडक्ट करवाई जाती हैं ताकि जो एक्सप्लॉयटेशन होता है एम्प्लॉयज का एम्प्लॉयर्स के थ्रू वो ना हो, उसमें एक इक्वल बार्गेनिंग सिस्टम आ जाए ताकि वो दोनों ही बैलेंस करके चले. इसका रोल क्या होता है, यूनियंस का रोल क्या होता है, बेटर वेज प्रोवाइड करना वर्कर्स को, इम्प्रूव वर्किंग कंडीशन देना, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, दोनों एक दूसरे की म्यूचुअली रिस्पेक्ट करें, ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट करना. स्टेट में कैसे एक मेजर कंपोनेंट की तरह काम करता है, गवर्नमेंट ट्राइज टू रेगुलेट द रिलेशनशिप ऑफ एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयर. गवर्नमेंट क्या करता है, एक रेगुलेट करने की कोशिश करता है एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर के रिलेशनशिप को, कैसे, थ्रू लेबर कोड. एम्प्लॉयज़ के लिए एक लेबर कोड का वो करता है इंतजाम के एक लेबर कोड है तुम्हारे लिए, अगर तुम्हें किसी तरह की प्रॉब्लम हो तो तुम यहाँ बता सकते हो. वेज बोर्ड डिज़ाइन क्या हुआ है जहाँ पे हमारी सारी ये वेज रिलेटेड पॉलिसीज बनती है. इंक्वायरी कमेटी बिठाई दी जाती है जिसके थ्रू हम अपनी प्रॉब्लम्स को वहाँ पे रख सकते हैं. द गवर्नमेंट कैन ऑल्सो बिकम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व इन द इंडस्ट्रियल रिलेशन प्रोसेस व्हेन बाउंड्रीज आर ओवर स्टेप और नेगोशिएशन गो अवरे. अगर कोई भी एम्प्लॉय या एम्प्लॉयर अपनी चीज़ों को बाउंड्रीज को क्रॉस कर रहा है तो गवर्नमेंट इसमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरह से इंटरफेयर कर सकती है. अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा सोशो इकोनॉमिक सिनेरियो इन इंडस्ट्रियल रिलेशन. तो सोशो इकोनॉमिक सिनेरियो इन इंडस्ट्रियल रिलेशन क्या कहता है, पहले कंडीशन क्या थी और अब कंडीशन क्या है इंडस्ट्रियल रिलेशन में एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर के बीच में. तो पहले उनका एम क्या होता था, डिफरेंट होता था, हर किसी का अपना अलग अलग एम होता था. अब क्या होता है, शेयर्ड गोल करते हैं वो, मतलब कि अगर तुम्हारा एम वो इंडस्ट्री को, एम्प्लॉयज का एम इंडस्ट्री को हाई पहुँचाना है तो एम्प्लॉयर का एम भी वही है. इन्फॉर्मेशन, पहले एक के पास ही इन्फॉर्मेशन होती थी, अब ट्रांसपेरेंसी होती है, हर किसी को पता होता है कि क्या चल रहा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. मोड क्या होता था, पहले स्ट्रिक्ट रूल्स होते थे, अब रियलिस्टिक प्लान्स होते हैं. फीलिंग्स क्या होती है, पहले लोग नेगेटिविटी बना के रखते थे कि हमारा जो बॉस है, हमारा जो सुपीरियर है वो अच्छा नहीं है, नेगेटिव इमेज बना के रखते थे. अब क्या करते हैं, वो पॉजिटिव इमेज बना के रखते हैं कि हमें कुछ सिखा रहे हैं. उसके बाद आता है इम्पैक्ट ऑन इंडस्ट्री रिलेशन, क्या इम्पैक्ट है इन चीज़ों का इंडस्ट्री रिलेशन पे. क्वालिटी मूवमेंट, एक क्वालिटी मेंटेन रहती है, शेयर्ड गोल्स होते हैं. इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमी, एक इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमी मेंटेन रहती है. ग्लोबलाइजेशन ऑफ रिलेशन, ग्लोबलाइजेशन में जो हमारे ग्लोबल में रिलेशन हैं वो मेंटेन रहते हैं, नॉलेज इन्हेंस्ड होती है. उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा टेक्नोलॉजी चेंज. टेक्नोलॉजी चेंज क्या कहता है, इट इज़ अ टर्म दैट इज़ यूज टू डिस्क्राइब द ओवरऑल प्रोसेस ऑफ इन्वेंशन एंड इनोवेशन. जो भी इनोवेशन, इन्वेंशन टेक्नोलॉजी से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ रही है उससे इंडस्ट्रियल रिलेशन पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है. इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ डेवलपमेंट, ये डेवलपमेंट का एक इंस्ट्रूमेंट है. उसके बाद इसके कुछ टाइप होते हैं, साइंटिफिक मैनेजमेंट, जैसे साइंटिफिक मैनेजमेंट में क्या कर देते हैं हम, स्टॉप वॉच के कितने देर का काम हो सकता है, कि कौन सा वर्कर कितनी देर में काम कर रहा है या कौन सी मशीनरी से कितनी देर में काम हो रहा है. तो चेंज इन लोकेशन ऑफ प्लांट, प्लांट में अगर हम लोकेशन चेंज कर रहे हैं, रूरल से अर्बन में जा रहे हैं तो हमारी टेक्नोलॉजी अफेक्ट हो रही है, टेक्नोलॉजी की वजह से चेंज आ रहा है. शिफ्ट इन प्रोडक्ट डिमांड, अगर हमारी प्रोडक्ट की डिमांड ही चेंज हो गई है, शिफ्ट आ गया है उसमें, तो हमें टेक्नोलॉजी चेंज करनी पड़ेगी अपनी. चेंज इन मशीनरी, अगर हमारी मशीनरी ख़राब हो गई है या फिर हमें नई टेक्नोलॉजी की मशीनरी चाहिए तो हमें टेक्नोलॉजी चेंज लाना पड़ेगा. ऑटोमेशन, अगर हम अपना पूरा काम मशीन वर्क से कराना चाहते हैं तो हमें टेक्नोलॉजी चेंज करनी पड़ेगी. इसके नेगेटिव इम्पैक्ट और पॉजिटिव इम्पैक्ट होते हैं. तो इसके नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होते हैं, इम्पैक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट, ट्रांसफर एंड रिटेनिंग, रिस्ट्रेनिंग प्रॉब्लम, रेजिस्टेंट टू चेंज, पीपल मना कर देते हैं, रेजिस्ट करते हैं कि वो चेंज ना लेके आए. जॉब सेटिस्फैक्शन में उनको प्रॉब्लम होती है, उनको अपनी जॉब सिक्योरिटी में प्रॉब्लम होने लगती है, सेटिस्फाइड नहीं हो पाते जल्दी से. वर्कर एंड यूनियन रिएक्शन, सबका रिएक्शन अलग होता है चेंज को लेके.
अब इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होते हैं, लेबर सेविंग, लेबर सेव होती है, इम्प्रूव लेवल लेवल ऑफ अर्निंग, लेवल ऑफ अर्निंग इम्प्रूव होता है, हायर प्रोडक्टिविटी होती है, रिड्यूस इन कॉस्ट एंड इंक्रीज बेनिफिट, प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन होता है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन क्या कहता है, द ग्लोबलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैज ऑल्सो प्रोवाइडेड इंडस्ट्रियल रिलेशन विद अ ग्लोबल डायमेंशन। ग्लोबली पूरा जो डायमेंशन होता है उसको हम बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। इंडस्ट्रियल रिलेशन मतलब कि पूरे होल ग्लोबल लेवल पे। पहले क्या था, इंडस्ट्रियल रिलेशन वॉज अ लोकल, लोकल में होता था, अब MNCs आ गई हैं तो वो हमारा ग्लोबली हो गया है। इसका इम्पैक्ट क्या होता है, ये हमारा इम्पैक्ट जो है वो सेकेंड यूनिट में भी है, तो इसलिए मैंने इसको यहीं कर दिया है। सबसे पहले इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमी का इंटीग्रेशन हो गया है, चेंज इन मैनेजमेंट स्टाइल, हर कंट्री का अपना अलग अलग मैनेजमेंट स्टाइल होता है तो वो चेंज हो गया है, हम किसी भी कंट्री के अडॉप्ट कर सकते हैं। इंक्रीज इन एजुकेशन लेवल हमारा इंक्रीज हो गया, चेंज इन स्किल लेवल, स्किल लेवल हमारा चेंज हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा इंटरनेशनल डायमेंशन ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन। तो तीन डायमेंशंस होते हैं हमारे इंडस्ट्रियल रिलेशन के, एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयर और गवर्नमेंट। एम्प्लॉयज़ क्या कहते हैं, एम्प्लॉयज़ आर रिप्रेजेंटेड बाय यूनियन, पॉपुलरली कॉल्ड ट्रेड यूनियंस। यूनियन सीक्स टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ वर्कर एट वर्क प्लेस। ये इंटरनेशनल लेवल पे होते हैं कि ये सारे जो हमारे वर्क प्लेस पे वर्कर्स जो काम कर रहे हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। एम्प्लॉयर्स क्या करते हैं, एम्प्लॉयर्स अब हमारे MNCs हो गई, तो द फंक्शन इज़ टू सेट स्टैंडर्ड ऑफ एम्प्लॉयज़ मैनेजमेंट। एम्प्लॉय मैनेजमेंट का स्टैंडर्ड को हमें सेट करना पड़ेगा, मतलब उनका बिहेवियर क्या है, उनकी प्रेफरेंस क्या है, टू एक्ट रीजनेबल वे टुवर्ड्स ऑल, मतलब कि सबको वो एक सारे एम्प्लॉयज़ को एम्प्लॉयर्स एक तरह से ट्रीट करें, एक मैनर में ट्रीट करें। गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का क्या रोल है अब इंटरनेशनल डायमेंशन में, गवर्नमेंट स्टेट स्टैंडर्ड ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन दैट आर एक्सपेक्टेड टू फॉलो, क्या क्या चीज़ें फॉलो होनी चाहिए। द सेट अप लेजिस्लेशन ऑफ इम्प्रूविंग लेबर वेलफेयर, ये लेबर वेलफेयर के लिए एक लेजिस्लेशन सेट करके रख देते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे कोई भी अगर वर्कर कहीं और जाके काम कर रहा है, कोई भी वर्कर कहीं और से आगे काम कर रहा है तो उनको किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन क्या कहता है, इट इज़ अ ट्री पार्टी बॉडी। ट्री पार्टी बॉडी से हमारा क्या मतलब है, इसमें तीन तरह की चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, तीन बॉडीज इन्वॉल्व होती हैं, एम्प्लॉयर, लेबर और गवर्नमेंट। टिल नाउ 183 नेशंस आर मेंबर ऑफ ILO। इसका रोल क्या होता है, फुल एम्प्लॉयमेंट देना, रेजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, फैसिलिटीज फॉर ट्रेनिंग, जॉब सेटिस्फैक्शन देना, प्रोटेक्शन ऑफ हेल्थ, हेल्थ की प्रोटेक्शन देना वर्कर्स को, पॉलिसीज विद वेज आर्ट्स एंड कंडीशन ऑफ वर्क। ये पूरा हमारे लेबर लॉ से रिलेटेड है। स्ट्रक्चर ऑफ ILO, स्ट्रक्चर क्या कहता है, इसका तीन स्ट्रक्चर मेन होते हैं इसमें, इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस। इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस क्या कहता है, ये इसका काम होता है पॉलिसीज़ बनाना, ये फर्स्ट नंबर पे होता है। उसके बाद इलेक्ट गवर्निंग बॉडी, जो गवर्निंग बॉडी इसके बाद आता है उसमें ये गवर्निंग बॉडी को इलेक्ट करते हैं कि कौन कौन उसमें होंगे। होल्ड सेशन वंस इन अ ईयर, ये साल में एक बार सेशन कंडक्ट करता है। और ये डिसाइड एक्सपेंडिचर ऑफ बजट, ये बजट डिसाइड करता है कि कितना होगा इसका लेबर का। उसके बाद गवर्निंग बॉडी क्या करती है, ये थ्री टाइम्स अ ईयर कंडक्ट करवाती है डिसाइड एजेंडा ऑफ ILC। ये ILC का मतलब कि जो हमारा इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस है उसका एजेंडा ये डिसाइड करती है गवर्निंग बॉडी कि किस टॉपिक पे बात होनी है, किस चीज़ की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना है। ये जो बजट एक्सपेंडिचर वो दे रहा है ILC, उसका स्ट्रक्चर ये बनाती है गवर्निंग बॉडी। उसके बाद इंटरनेशनल लेबर ऑफिस, इंटरनेशनल लेबर ऑफिस का काम क्या होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है टू कलेक्ट एंड डिस्ट्रीब्यूट इंफॉर्मेशन ऑफ लेबर एंड सोशल प्रॉब्लम। जितने भी लेबर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको कलेक्ट और डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है कि ये देखता है कि कोई भी चाइल्ड वर्कर काम ना कर रहा हो कहीं भी, सोशल सिक्योरिटी प्रॉपर दी जा रही है नहीं दी जा रही, हेल्थ सेफ्टी प्रॉपरली दी जा रही है नहीं जा रही, ये सारा लेबर से रिलेटेड काम करता है। उनकी कंडीशंस चेक करता है कि उनको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। सो गाइज, दिस इज ऑल अबाउट यूनिट फर्स्ट, एंड इफ यू हैव एनी डाउट डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन।